हेडलाइन के प्रायोजक हैं एस्प्रा। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनपद के चौरी चौरा कांड के शताब्दी वर्ष मनाए जाने के तैयारियों की समीक्षा। कहा, चौरी चौरा कांड को लेकर प्रदेश के प्रत्येक जनपदों के शहीद स्थलों पर किया जाए कार्यक्रम, बनाई जाए जनपद स्तरीय कमेटी। गोरखपुर महोत्सव के मंच पर दिखेगा खादी का जलवा। नामचीन डिजाइनरों के डिजाइनर कपड़ों को पहनकर कैटवॉक करेंगी मुंबई की मॉडल। अंतर्राष्ट्रीय कलाकार मनोरंजन फिलर तनुरा नृत्य की भी देंगे प्रस्तुति। प्रदेश के कानपुर में बर्ड फ्लू की दस्तक पर बोले वन मंत्री दारा सिंह चौहान। कहा, कोरोना की तरह ही बर्ड फ्लू पर भी पाएंगे काबू, रहे निश्चिंत। सिकरीगंज थाना क्षेत्र के बाली गांव में बेची गई जमीन की पैसे के लेन देन पर हुए विवाद पर एक भाई ने अपने सगे भाई की पीट पीट कर की हत्या। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस, शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। हत्या अभियुक्त भाई को किया गिरफ्तार, अग्रिम कार्रवाई में जुटी। वन मंत्री दारा सिंह चौहान ने किया शहीद अशफाकुल्ला खां प्राणी उद्यान केंद्र चिड़ियाघर का निरीक्षण। कार्यों से दिखे संतुष्ट। कहा, जल्द ही मुख्यमंत्री के द्वारा उद्घाटन कराकर जनता को किया जाएगा समर्पित। मंडलायुक्त की अध्यक्षता में संपन्न हुई गोरखपुर महोत्सव की तैयारी बैठक। मेले में लगने वाली प्रदर्शनी, मंच और सिटिंग व्यवस्था सहित अन्य व्यवस्थाओं को पूरा करने के दिए निर्देश। जिला अस्पताल के बर्न वार्ड में शनिवार की रात रात्रि ड्यूटी प्रभारी स्टाफ नर्स की ड्यूटी चेक करने के दौरान ड्यूटी पर तैनात स्टाफ नर्स द्वारा कहासुनी के बाद हुई हाथापाई। प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक ने कहा, जांच के लिए गठित की गई टीम, रिपोर्ट आने के बाद की जाएगी कार्रवाई। गोरखपुर महोत्सव के अंतर्गत रीजनल स्पोर्ट्स स्टेडियम में शुरू हुए फुटबॉल प्रतियोगिता का मुख्य अतिथि महापौर द्वारा खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त कर खेल का किया गया शुभारंभ। महापौर ने गोरखपुर महोत्सव आयोजन समिति और खेल अधिकारियों को दी बधाई। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान लखनऊ तथा DVNPG कॉलेज के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित आचार्य भगवती प्रसाद सिंह के व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर आयोजित दो दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी के समापन अवसर पर वक्ताओं ने अनुसंधान, शोध और सृजन विषय पर रखे अपने अपने विचार। कहा, बहुत बड़े संपादक और शोधकर्ता थे आचार्य भगवती प्रसाद। गोरखपुर में रविवार को मिले 14 नए कोरोना संक्रमित मरीज। जिले में संक्रमित मरीजों की संख्या हुई 21,242। अब तक 349 कोरोना संक्रमित मरीज गंवा चुके हैं अपनी जान। 268 हुए एक्टिव मरीज। CMO डॉक्टर सुधाकर प्रसाद पांडे ने की पुष्टि। पूर्व सांसद नरसिंह नारायण पांडे की तीसरी पुण्यतिथि पर कांग्रेसी ने उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर दी श्रद्धांजलि। उनके पद चिन्हों पर चलने का लिया संकल्प। समाजवादी पार्टी के कार्यालय पर जिला अध्यक्ष की अध्यक्षता में हुई बैठक। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के निर्देश पर 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद की जयंती पर होने वाले युवा घेरा कार्यक्रम को सफल बनाने पर की गई चर्चा। सिविल कोर्ट बार एसोसिएशन के सभागार में संपन्न हुआ सवर्ण एवं निर्धन विकास पार्टी का कार्यकर्ता सम्मेलन। संगठन के विस्तार तथा आगामी चुनावों में प्रत्याशी उतारने पर हुई चर्चा। राम मंदिर निधि समर्पण समिति के तत्वावधान में 15 जनवरी से 27 फरवरी तक श्री राम मंदिर निर्माण हेतु धन संग्रह अभियान के तहत निकाली गई रैली। लोगों को श्री राम मंदिर के लिए किया गया जागरूक। और पार्षद प्रमिला ओझा के नेतृत्व में जन सहयोग से विकास नगर वार्ड में गरीबों और जरूरतमंदों में किया गया कंबल का वितरण। प्रबुद्ध लोगों को किया गया सम्मानित।